और इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिर इंतजार किस बात का? हमें तो सब पता चल जाएगा। पूरी बात तो सुन लो, ये सब मालूम करने के लिए हमें अक्षत के शरीर में जो नए बाल है उन्हें ढूंढना होगा। वो बाल जिसमें अक्षत के भी निशान हो और उस आत्मा के निशान भी। मैं कुछ समझी नहीं। अक्षत के ऐसे बाल जो आधे सफेद होने चाहिए और आधे काले, सफेद डेड मरे हुए बाल, काले जिंदा जीवित, जो आत्मा के बाल ना हो, सिर्फ अक्षत के बाल, जड़ से सफेद होने चाहिए और ऊपर से काले होने चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे होगा? अक्षत से तो मैं कह नहीं सकती, और उससे शक हो गया तो? उसके होश में रहते हुए ये काम करना थोड़ा मुश्किल है। एक मिनट, इसकी मदद से किया जा सकता है। ये क्या है? मॉर्फिन। इससे मेरे अक्षत को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, जैसे सारे डॉक्टर्स करते हैं। दिस इज द सेफेस्ट ड्रग इन द वर्ल्ड, और हमारे शास्त्रों में भी इसके इस्तेमाल का पता चलता है। नियति, अगर तुम अक्षत को बचाना चाहती हो तो ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। ये पता नहीं किस झंझट में फंसा दिया नियति ने। कब तक इस फ्रैक्चर का नाटक करना पड़ेगा? ओ बीवी, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि अपने पति को यूं अकेला छोड़ के तुम कहां गई थी? नहीं नहीं नहीं, इस बात का जवाब भी मैं दूंगा। दक्ष से मिलने गई थी ना? कुछ बताया उसने कि अपने पति को आप मुट्ठी में कैसे रख सकते हैं? हाँ, ये लो, लड़कियों के ड्रामे। बीवी, ये जो आंसू है ना, ये इंसानों पे चलते होंगे, मुझ जैसी आत्माओं पर नहीं। नाटक नहीं कर रही, सच में रो रही हूं। गई थी दक्ष के पास, उन्होंने भी बोल दिया उनके बस की बात नहीं है, वो भी चले गए शहर छोड़कर। अब तो मेरी हेल्प करने के लिए और कोई भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है तुमने मुझे। अब तो जो मेरे रास्ते का कांटा था वो भी साफ हो गया, लेकिन तुम्हारे लिए तो ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अब तो मेरा राज चलेगा और तुम्हें इतना परेशान करूंगा कि। वही तो कर रहे हो कब से, एक ही बार में खत्म कर दो ना। ऐसे बार बार मर मर के नहीं जीना चाहती मैं। मुझे लगता है तुम्हारे आंसुओं के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बह गया है, क्योंकि जो चीज तुम्हें मुझसे बचा सकती थी तुमने उसे ही फेंक दिया। अब क्या हुआ? हाँ, अब मारो, अब धक्का दो मुझे, हाँ, हाथ पैर तो चलाओ। लड़ाई में मजा नहीं आ रहा नियति।
ऐसा तो कोई बाल मिल ही नहीं रहा। क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? हाँ, बहुत चालाक समझती हो ना? हाँ, ले आई ना तुम? आपको पता कैसे लगा कि मैं आ गई? मैं सिर्फ बुरी आत्मा ही नहीं, अच्छी और नेक आत्माओं की आहट भी पहचान लेता। हमें जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें? यस। उसे टेबल पर रख, आज रात को ही उसमें मंत्रों की शक्ति डाल दूंगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वो बुरी आत्मा किसकी। हनुमान जी की कृपा रही तो कल हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हाँ, याद रखना नियति, उस पूजा में अक्षत का बैठना बहुत जरूरी है।